तृतीय इनाम के लिए मैं सियांग के अध्यक्ष सचिव से हम जमरगा के नाटक प्रतिभागियों को द्वितीय इनाम जाता है भाई। प्रथम इनाम के लिए हम मोटियारी खोपा के अध्यक्ष सचिव से तो भैया लोग आप लोग तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ। फिलहाल जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों, रुआपुल मेला में 3 पार्टी नाटक था, उसमें कौन कौन सा पार्टी कितना कितना नंबर निकला वही सब को दिखाया गया है। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में ही पूरा जानकारी है।
Stop.
Oh,
तृतीय इनाम के लिए मैं सियांग के अध्यक्ष सचिव से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और अपना इनाम ग्रहण करें। तृतीय इनाम देने के लिए मैं समिति के अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे तृतीय इनाम प्रदान अपने हाथों से प्रदान करें। ग्यारह अंक हासिल करते हुए ग्राम जमरगा के नाटक प्रतिभागियों को द्वितीय इनाम जाता है। भाई नाटक प्रतियोगिता के अध्यक्ष सचिव अगर कुछ कहना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं हमारे मंच पे। हमारे निर्णायक दल द्वारा 11 अंक देकर जमरगा को द्वितीय स्थान दिए हैं। चलिए तो इसी प्रकार प्रथम की घोषणा करते हुए मुटियारी खोपा के 15 अंक प्राप्त करते हुए मुटियारी खोपा का को प्रथम इनाम जाता है आज के नाटक प्रतियोगिता में। इसके अलावा अगर किसी भी समिति नाटक प्रतियोगिता के समिति वालों को कुछ भी कहना हो तो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। प्रथम इनाम के लिए हम मुटियारी खोपा के अध्यक्ष सचिव से अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपना इनाम स्वरूप ग्रहण करें। इसके लिए मैं हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय श्री रामचरण जी समिति के अध्यक्ष सचिव से भी अनुरोध है कि वे क्या बोलते हैं प्रथम इनाम को अपने शुभ हाथों से वितरण करें। इसी के साथ में मुटियारी खोपा के गायक महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे समिति का एक अनुरोध है कि वे थोड़ा अपना भजन कीर्तन थोड़ा सा कला का प्रदर्शन करें और हमारे समिति के बातों का मान रखें। दिलीप यादव जी कृपया जल्द से जल्द मंच पर आवें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी समितियों को बहुत ही सुंदर निर्णय किए। इस निर्णय से सभी नाटक समिति सहमत है और बहुत ही सुंदर समितियों का मैं कवर करता हूँ। बहुत ही सुंदर ढंग से रात भर के कार्यक्रम में सहभागी बने समिति, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ, किसी प्रकार का झंझट नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर सुचारू रूप से कार्यक्रम को सफल बनाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जगह कार्यक्रम करता हूँ और वैसे मेरा काम ही है नाटक सिखाना और कुछ जागरण भी करता हूँ और ऑर्केस्ट्रा यही कर लेता हूँ। तो जाता हूँ तो इतना सुंदर ढंग से कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है। यह बहुत ही सुंदर ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ इसलिए समिति वालों को अभिनंदन से धन्यवाद करना चाहूंगा। बोलो गायत्री मैया की, उमापति महादेव की, एक बार लखनऊ श्री रामचंद्र की जय। भाग्य विधाता
ये बहुत ही सुंदर राग से संबंधित है, राग से रंजनी से लिया गया है इस राग को। गणपति देवा हे वरदाता, मंगल मूर्ति भाग्य विधाता, हे गजानन हे गजानन, स्वागत है प्रभु तेरा। गणपति देवा हे वरदाता, मंगल मूर्ति भाग्य विधाता, सुमिरन की आज भाग के द्वार खुल गए, ज्ञान मिला भक्तों को भगवान मिल गए। हे लंबोदर तेरी महिमा भारी, मूषक वाहन तेज सवारी, तेज सवारी हो मंगलकारी, हो तेज सवारी मंगलकारी, सार भुजागारी, हे गजानन हे गजानन, स्वागत है प्रभु तेरा। गणपति देवा हे वरदाता, मंगल मूर्ति भाग्य विधाता, आ हो बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक बात कहना चाहूंगा संगीत प्रेमियों के लिए। हाँ तो भैया, इस तरह से मेरे प्रिय प्रचार से मेरे सौप्रेम भेंट किया है, भगवान उन्हें सुख से रखे रहे। हेलो 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 हेलो, वैसे तो मेरे को माइक दे देते हैं राजभर में बोलते ही गाता हूँ, और जब मेरे को माइक दे देते हैं तो और ज्यादा बोल देता हूँ। अगर किसी प्रकार का त्रुटि बोल दूं तो समस्त ग्रामवासी से क्षमा चाहूंगा। संगीत प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, इधर के जितने भी संगीत प्रेमी हैं उनके लिए सुनहरा अवसर। अगर संगीत तीन प्रकार की होती है, शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत और फोक संगीत। संगीत तीन प्रकार की होती है, ध्यान दें, शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत और फोक संगीत। भाव संगीत में तुम्हारा ये आ जाता है फिल्मी गाना, ये हो गया। शास्त्रीय संगीत में तुम्हारा जो जहाँ से संगीत उत्पन्न हुआ है वहां से शुरू, जैसे हम पढ़ते हैं छोटिया बढ़िया अनार आम, वो शास्त्रीय संगीत। भाव संगीत क्षेत्रीय गीत जो छत्तीसगढ़ी हो गया। तो ऐसे मैं इधर आते जाते रहता हूँ, अगर किसी को इच्छा हो शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए तो मेरे से संपर्क करेंगे, और मैं उन्हें जहाँ एग्जाम होता है वह एग्जाम में मैं खुद क्लास देके उन्हें एग्जाम लिखाऊंगा। मैं प्रयाग स्कूल इलाहाबाद से संपर्क रखता हूँ, अगर कोई इच्छुक संगीत प्रेमी हो तो मेरे से संपर्क करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और गायत्री मैया के इस जागरण में बहुत ही सुंदर रहा, यादगार रहा, यादगार पल रहा मेरे लिए। और लास्ट में यही कहूंगा कि समस्त समिति बंधुओं से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए गायत्री मैया की जय।